रहीम लेक्चर नंबर थ्री है हमारा और आज हम बात करेंगे सब फील्ड्स इन साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो है एक जनरल टर्म है ठीक है जैसे जितनी भी ब्रांचेस मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं वो किसी ना किसी एक अम्ब्रेला से जो है वो अक्वायर हुई हैं अच्छा अब जब आप इनिशियल लेवल पे किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स तो हम हर जो सब्जेक्ट है जर्नल सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते हैं क्योंकि डिफरेंट जो फील्ड्स हैं सब फील्ड्स हैं ठीक है या डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की उसको डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें हर चीज का एक अनिशियल आप कह लें कि ओवरव्यू होता है फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं मजीद तो नेक्स्ट जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो है उस एक एक चैप्टर पे पूरी पूरी ब्रांच बनी हुई है एक ठीक है फुल फ्लैज एक ब्रांच जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें हम हर चीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं इसी तरीके से जो साइकोलॉजी या नफ्सियात है इसमें कुछ जो इसकी ब्रांचेज या सब फील्ड्स हैं उनमें ज्यादा वर्क हो रहा है उसकी एप्लीकेशन ज्यादा है ज्यादा लोग उस तरफ आ रहे हैं उसमें ठीक है डॉक्टरेट डिग्रीज जो हैं, वो अवार्डेड हो रही हैं लेकिन कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि अभी कुछ हरसा पहले ही एमर्ज हुई हैं और उसमें अभी काम हो रहा है तो ऑलमोस्ट इसकी 25 के करीब जो हैं वो डिफरेंट मतलब सब फील्ड्स हैं ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की जो अभी तक सामने आ चुकी हैं और उसके अलावा भी काम हो रहा है अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन सब uh, फील्ड्स की जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट हैं या ज्यादा एप्लीकेशन है जिसकी साइकोलॉजी में तो उनमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है ठीक है सेकंड पे काउंसलिंग साइकोलॉजी फिर सोशल साइकोलॉजी हेल्थ साइकोलॉजी इसी तरीके से हमारे पास बिहेवियरल न्यूरो साइंस एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी कॉर्गनेटिव साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी फॉरेंसिक साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये तो वो तमाम सब फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट हैं जिनकी एप्लीकेशन ज्यादा है इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं उसके अलावा भी कुछ अदर फील्ड्स हैं साइकोलॉजी में जैसे जेंडर साइकोलॉजी है पॉजिटिव साइकोलॉजी है बिजनेस साइकोलॉजी है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कम्युनिटी साइकोलॉजी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ओके अभी हम मूव करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पर अच्छा सबसे पहले एक डिफरेंस uh, मैं बताना आपको चाहूंगी स्टूडेंट्स के जो क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी है इसमें इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें एक मेन डिफरेंस है क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ये मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है उनको डील करती है इसमें पेशेंट्स या जो क्लाइंट्स हैं उनको एडमिट भी किया जा सकता है हॉस्पिटल में ठीक है उसके अलावा ओपीडी भी होती है उसमें भी चेक कर लेते हैं ठीक है उसके अलावा प्राइवेट भी जो पेशेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो उनको एडमिट भी कर लिया जाता है इसमें बेसिकली जो है ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेडिसन ड्रग्स ठीक है दैट आर यूज्ड बाय साइकियाट्रिस्ट एंड एमबीबीएस डॉक्टर्स दैट हैव स्पेशलाइजेशन इन एब्नॉर्मल बिहेवियर ओके और काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये लेस विअर प्रॉब्लम्स के साथ जो है डील करती है इसमें असिस्ट किया जाता है हेल्प आउट किया जाता है एक पर्सन जो कि नॉर्मल है लेकिन वो फॉर जस्ट फॉर अ व्हाइल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो किसी प्रॉब्लम जो है उससे सफर कर रहा है उसको नहीं पता चल रहा कि उसने क्या डिसीजन लेना है क्या चीज उसके लिए गुड एंड बैड है ही एंड शी ओनली नीड्स लिटिल गाइडेंस हेल्प रहनुमाई मुशावरत गाइडेंस काउंसलिंग असिस्टेंस ठीक है तो जो प्रैक्टिशनर होता है जो काउंसलर होता है वो हेल्प आउट करता है पर्सन को फाइंड आउट करने में कि उसके लिए बेस्ट वे कौन सा है उसको क्या करना चाहिए यानी वो पर्सन के सामने वो तमाम चीजें जिनको वो सोच नहीं सकता उस वक्त वो तमाम चीजें जो है पॉइंट्स क्लियर कर देता है लेकिन जो क्लाइंट होता है उसने डिसीजन खुद ही लेना होता है उसने देखना होता है कौन सा वे जो है उसके लिए बेस्ट है उसको किस रास्ते पे चलना चाहिए सिलेक्शन उसी ने करनी है ठीक है लेकिन जो काउंसलर है वो जो तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर देता है क्लियर कर देता है एक्सप्लेनेशन उसकी देता है हर तरीके से उसको डिफाइन करता है कि मतलब ये ये वे है ये ये प्रॉब्लम है इस वक्त स्ट्रेस में होने की वजह से जो है या आप एक पॉइंट पे स्टक हो गए हैं समझ नहीं आ रहा आपको मतलब वो बता देता है ये फर्स्ट uh, वे ये है सेकेंड ये है थर्ड ये है आप मतलब सिलेक्शन आपने खुद करनी है ओके okay, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट एंड साइकैट्रिस्ट वर्क करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो एजुकेशनल लेवल होता है ग्रेजुएशन ठीक है धन एम फिल एमएस पी एच डी और एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एडीसीपी पी ठीक है दे ट्रीट क्लाइंट्स और पेशेंट्स सफरिंग थ्रू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ साइको थेरापी ठीक है डिफरेंट सोर्ट ऑफ जो है एक्सरसाइजेज थेरेपीज ठीक है डिफरेंट um, जो होता है टास्क जो है उनको दिए जाते हैं इस तरीके से जो हैल्प आउट करते हैं जबकि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं दे आर एमबीबीएस डॉक्टर्स एंड हैव स्पेसलाइजेशन इन एबनॉर्मल बिहेवियर दे रेकमेंड मेडिसन्स दे ट्रीट पेशेंट और क्लाइंट विद दिल्प ऑफ ड्रग्स ड्रग मीन मेडिसंस डिट स थ्रू जो है वो डील करते हैं और इसमें तमाम जो साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम है ठीक है उनको डील किया जाता है डिसऑर्डर्स जो है उनको डायग्नोज किया जाता है क्लासिफिकेशन उनकी की जाती है क्योंकि किस क्लस्टर में वो लाए करते हैं और ट्रीटमेंट की तरफ मूव किया जाता है Uh, ये जो है सबसे ज्यादा जो है हमें uh, मतलब इस फील्ड uh, में जो है नजर आते हैं लोग साइकोलॉजी की ज्यादा लोग जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाना पसंद करते हैं मतलब अगर हम ओवरऑल सब फील्ड्स को देखें तो ज्यादा uh, जो है प्रपोर्शन uh, जो है हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी का नजर आता है ओके okay. सेकंड जो है काउंसलिंग साइकोलॉजी जो पर्सन जो होता है हमें uh, मतलब या किसी भी पर्सन को जो कि प्रॉब्लम्स के साथ सफर कर रहा है उनको हेल्प आउट करता है असिस्ट करता है उसको हम काउंसलर कहते हैं अच्छा अब जो काउंसलर्स हैं एक तो वो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि वो हेल्प आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की एजुकेशनल अगर प्रॉब्लम्स कोई हो गए हैं एक बच्चा है उसने देखना है कि उसने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग मैच करते हैं ठीक है जब इंटरेस्ट और एबिलिटी और जो सब्जेक्ट्स जो है बच्चा जो है सिलेक्ट करेगा तो बहुत अच्छा जो है वो उसका मतलब रिजल्ट आएगा अच्छा उसके बाद जो है करियर सिलेक्शन में भी ये चीजें हेल्प आउट करती हैं या जिन लोगों ने आगे अपना करियर जो है मतलब लेके जाना होता है तो उसमें ये हेल्प आउट करते हैं उसके अलावा जो काउंसलर्स होते हैं मैरिज काउंसलर्स जो होते हैं फैमिली इश्यूज जो हैं, उनको भी रिजॉल्व करते हैं ठीक है स्पाउस के दरमियान जो है आ, आ, कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गया तो उसको आ, हल करने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है क्यों हुआ क्या उसके पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं तो ये तमाम जो आ, है हेल्प ये काउंसलर जो है प्रोवाइड करता है अच्छा उसके बाद हमारे पास आती है सोशल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी यानी समाजी नफसियात इसका ताल्लुक जो है समाज के साथ है साथरे के साथ है सोसाइटी के साथ है फैमिली सिस्टम के साथ है न्यूक्लियर है जॉइंट है तमाम जो है घर वाले वो एक ही छत तले रहते हैं या सेपरेट हैं ठीक है न्यूक्लियर सिस्टम है किस तरह के कि से लोगों के जो बिहेवियर्स हैं वो इन्फ्लुंस करते हैं एक दूसरे को अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं ठीक है सोसाइटी जो है उसे क्यों कन्फर्म किया जाता है कोई भी काम करने से पहले ठीक है कि ये चीज जो है वायोलेशन ऑफ रूल्स में या एंटी सोशल बिहेवियर में आती है या एक्सेप्टेबल है ठीक है फिर उसके अलावा जो है प्रेजुडाइज तसुब ठीक है ये क्यों मतलब जनरेट होता है क्यों बिल्ड होता है ग्रुप्स का आपस में इंट्रैक्शन क्या है पर्सन का पर्सन से पर्सन का ग्रुप से ग्रुप का ग्रुप से जो रिलेशनशिप है वो क्या है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है फिर जो है फैमिली जो है सिबलिंग्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं प्रोफेशनल जो है अदारे जहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा है वो किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को फिर उसके बाद जो है लीडरशिप जो है वो क्या होती है उसकी कौन कौन सी टाइप है लीडर्स कैसे होते हैं स्टेडियो जो हैं देन के जो फोर um, फादर्स uh, थे ठीक है उनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स uh, थी एट्रीब्यूट थी कौन सी चीज़ें थी जिनको वो फॉलो करते हैं और फर्दर जो न्यू जनरेशन है वो उन चीज़ों को कैसे लेके चलती है ठीक है सोसाइटी uh, जो है उसमें चेंजेस कैसे आते हैं किस तरह से अरबल अर्बन uh, या रूरल जो एरियाज हैं उनका क्या सेटअप है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सोशल साइकोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं जितने भी सोशल uh, uh, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी इस इसमें आ